हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम हर रोज कोशिश करते हैं आपको दो मिनट में, वैसे दो मिनट कभी नहीं हो पाता, बहुत ही लंबा चला जाता सेशन, बहुत कंटेंट होता है डिलीवर करने वाला। तो दोस्तों, लेकिन अटेम्प्ट क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दिया जाए एंड जो एक क्रिस्प फॉर्म में, बिल्कुल कोई ऐसी आलतू फालतू बातें ना किए हुआ, बिल्कुल जो क्रिस्प कॉन्टेंट, ताकि प्रीलिम्स हम कर सकें क्रैक कॉन्फिडेंटली। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की। ठीक है दोस्तों, जो ये PLIs रहती है हमारी, PLIs की अगर हम बात करें तो रिसेंटली सरकार इन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारे अटेम्प्ट्स है यहाँ पे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करने, इंप्लॉयमेंट के साथ साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखें, भारत इंपोर्ट करता है बहुत सारा सामान, तो डोमेस्टिकली कैसे बनाए, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, तो उसके लिए सरकार बहुत अग्रेसिव होकर यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ पर एक जो बात सामने आती है हमारे, यही है जो प्रोडक्शन लिंक्ड हमारी इंसेंटिव स्कीम्स है, ये क्या करती है, कंपनीज को इंसेंटिव्स दे रही है। इंसेंटिव्स दैट मींस कि अगर आप कोई अगर पर्टिकुलर एक टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है, अगर एक आपने एक अकॉर्डिंगली लेट्स से एक टारगेट सेल्स अचीव कर ली या टारगेट आपने इन्वेस्टमेंट भी अगर अचीव कर ली, ठीक है, तो आपको यहां पर इंसेंटिव्स मिलेंगे सरकार की तरफ से। भारत सरकार आपको 4% से लेकर 6% के बीच में आपको जो भी आपने सेल्स की होंगी या फिर जो भी आपका जितना भी आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको सरकार, भारत सरकार भी कंपनसेट करेगी। ठीक है, तो यहां पर जो देखो ओवरऑल आइडिया क्या है, यहां पर जो सेंट्रल सेक्टर अपने देश में, अगर हम इसकी देखें शुरुआत कहां से, मैं आपको रैपिडली समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं बनते थे पहले, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे, बहुत ज्यादा हमारा जो डोमेस्टिक, जैसे अगर देखें हमने जो फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, हम फॉरेन करेंसी हमारी यूज होती थी, ठीक है, जो हमने फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व्स बनाए वो यूज होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स सबको चाहिए, मोबाइल फोन्स आपको चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, बहुत सारा सामान हमको चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम देश में नहीं बना पाते थे, चाइना से हमें इंपोर्ट या फिर कहीं और से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ओके, तो इंपोर्ट बिल हमारा बहुत भयंकर हैवी रहता था इलेक्ट्रॉनिक्स के चलते। सरकार इंक्रीजिंगली बहुत सी कंपनीज को इंसेंटिवाइज करती जा रही थी, कभी सस्ते दरों पर जमीन देने का वादा किया, कभी सस्ते दरों पर आपको कहा बिजली मिलेगी, आप यहां ये प्लांट लगाइए, लेकिन फिर भी कंपनीज नहीं आ रही थी। अब सरकार ने लेकर आई, सरकार कौन सी स्कीम लेकर आई, इसको कहा जाता है PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इसमें सरकार क्या करती है, सरकार आपको इंक्रीमेंटल, जो आपको क्या बोलती है कि इंक्रीमेंटल मतलब कि एक साल दर साल का आपका प्लान बना देती है कि ठीक है कि पहले साल में आप अचीव कीजिए 200 करोड़ का बिजनेस या 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, देन 400, देन 600 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इंक्रीमेंटली एक बेस ईयर बना देते हैं जो कि 2019-20 बना दिया गया अगर एग्जाम पर्पस से देखें, उसके बाद इंक्रीमेंटली हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितनी सेव जो हमने जो सेल्स करी, अकॉर्डिंगली सरकार हमें जो, अगर मैं कंपनी हूं तो हमें पैसा वापस करेगी 4-6% जो हमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, व्हिच इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल एसेट्स देखें तो ये फ्री भी नहीं है, फ्री भी मतलब कि मुफ्त में जमीन या मुफ्त में बिजली नहीं मिल रही, आपको क्या मिल रहा है कि अगर प्रोडक्शन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ठीक है, प्रोडक्शन करोगे तो आप वहां पर अगर देखें तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा, तो इसलिए प्रोडक्शन होगी, सामान बिकेगा तो ही सरकार से इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, गेटिंग इट। तो PLI बाकी स्कीम से इसलिए बेटर मानी जाती है। तो यहां क्विकली देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्कीम, क्या ये स्कीम सिर्फ भारतीय कंपनीज के लिए, दोस्तों नहीं, भारतीय के लिए भी है, फॉरेन कंपनीज, लेकिन यहां पर आगे देखेंगे कि हमें सिर्फ भारत में रजिस्टर करना जरूरी है। ओके, तो यहां पर जो भारत की जो हम रिलायंस है, मतलब कि भारत की जो इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है उसको कम करने का अटेम्प्ट है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर स्कीम काम कैसे करती है, कंपनीज को पहले भारत में रजिस्टर होना होगा, बहुत जरूरी है। यहां पर एक लोकेशन भी हो सकती है, मल्टीपल लोकेशन भी में भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उनको इंसेंटिव मिलेगा, नई सेल्स करेंगे वो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बेस ईयर 2019-20 को बनाया गया, उसके ऊपर हर साल जितनी वो सेल करते रहेंगे अकॉर्डिंगली कंपनीज को 4-6% के बीच में रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, एंड देन इसीलिए ये इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, नई मशीनरी नए प्लांट लगा रहे हैं साल दर साल, उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्कीम शुरू कैसे हुई थी आपसे पूछ सकते हैं, हमारे देश की नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी एंड अप्रैल 2020 में IT मिनिस्ट्री नोटिफाई किया कि हम 4-6% दैट वी विल गिव एक्स्ट्रा 4-6% टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज। ठीक है, वो वाली कंपनीज जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी मोबाइल्स की। एंड दोस्तों यहां बात खत्म नहीं होती, सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं, चाहे ट्रांजिस्टर्स, चाहे कैपेसिटर्स, थायरिस्टर्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो बनाएंगे हमारे देश में, हम उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे अगर आप एक्स्ट्रा या तो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो या एक्स्ट्रा सेल करते जा रहे हो, गेटिंग इट। तो इसीलिए बेनिफिट्स क्या है स्कीम के, ये हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, डोमेस्टिक मोबाइल मेकर्स को भी हमें
एक्सपैंड करने का मौका मिलता है कि आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं तो ये लीजिए एक्स्ट्रा इनकम आपके आपको भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, तो पहले कुछ ये प्रीवियसली जो शुरुआत इसकी हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी इसके सिर्फ मोबाइल सेक्टर्स के लिए कि मोबाइल फोन्स में हमें बाहर से बहुत मंगवाना पड़ता है। अभी एक्सपैंड हो चुकी है, इसी साल के बजट में 2021 में बजट में 13 सेक्टर्स पर एक्सपैंड हो चुकी है। इवन की जो सबसे पहले जो और इसमें ऐड हुए थे वो थे फार्मास्यूटिकल। दोस्तों हमें बाहर से चाइना से हमें बहुत सारे हमें फार्मास्यूटिकल हमें दवाइयों के जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं ना APIs जैसे जिससे दवाई बनती है एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है हमारे तो वो भी हमें चाइना से बहुत मंगवाने पड़ते थे। तो उस पर भी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव देने की बात की कि आप भारत में मैन्युफैक्चर कीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखें। तो इसीलिए ओवरऑल हमारे यहाँ पे दोस्तों फायदे क्या हो रहे हैं हमारे स्कीम्स के कि आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट एरियाज को फायदा होगा जो अभी 13 हो गए हैं एक से बढ़कर। नॉन टैरिफ मेजर है ये, ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज को बाहर से अगर हमने इंपोर्ट को रोकने के लिए हमने क्या किया कि उस पर कोई टैरिफ लगा दिया, ऐसा नहीं किया हमने। अपने जो यहां पे बना रहा है उसको एक्स्ट्रा इनकम देने का वादा किया, ठीक है, ताकि हम यहां पर एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट सबको इंक्रीज भी करें एट द सेम टाइम उनको इंसेंटिवाइज भी रखें। ठीक है, तो इसीलिए ये डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा फोकस करने वाली चीज है। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स को तो चलो ठीक है कि एक्सपोर्ट्स को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर हमारे एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हमारे डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एट होम दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है एंड बहुत ही अच्छी स्कीम है। ओके, देन दोस्तों यहां पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया आपको क्विकली देख सकते हैं कि अगर आप MSMEs हैं तो 10 करोड़ रुपए से ऊपर का काम करना होगा। एंड अगर बाकी सेक्टर्स में है 100 करोड़ तक की लिमिट है, 1000 करोड़ तक की लिमिट है अगर आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कंपनी है तो। एंड देन उसके बाद जो यहां पर अगर और भी पहली बात हो कि भारत में ही कंपनी को रजिस्टर होना होगा, बहुत जरूरी चीज है। एंड देन यहां पर जो वेरियस जो सेक्टर्स की बात करें, अगर उन सेक्टर्स में कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो उसको जो ऊपर से ध्यान रखेंगी जो ओवरलुक करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें जो फार्मास्यूटिकल वाली है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कौन सी हमारी मिनिस्ट्री में आता है बताइए, जो हमारी केमिकल वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देने वाली होती है। हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं आता, बहुत बार हम ये सवाल देख चुके हैं एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देन यहां पर कि अगर एडिशनल प्लांट मशीनरी वगैरह भी लगाते हैं वो भी हमारा एक्स्ट्रा जो हम क्या मानेंगे इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा, सरकार उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट करेगी। ओके, देन दोस्तों कि क्या हमारे ऐसी कोई और स्कीम्स हैं जो इंसेंटिवाइज करती हैं? जी हाँ, भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ पर 15% टैक्स जो हमारा जो काफी कम है टैक्स अभी मैन्युफैक्चरिंग पर, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई हैं बहुत सारे गुड्स पर, ताकि जो बाहर से गुड्स आते हैं जो बाहर से अगर जो सामान आ रहा है तो उसको अगर थोड़ा महंगा किया जाएगा डोमेस्टिक को फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बच्चों चाइना की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी यहाँ पर हम जो चाह रहे हैं कि उसका एक ऑल्टरनेटिव बने भारत। एंड हम जो इंक्रीजिंगली हम भारत चाहते हैं कि हम बहुत सारी जो हम सोलर एनर्जी यूज करें, तो सोलर के जो हमारे जो फोटोवोल्टिक हमारे मॉड्यूल्स होते हैं पैनल्स होते हैं उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, भारत में बनाए जाएं वो भी यहां शामिल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो एडिशनल पॉइंट्स में अगर हम बात देखें कि कौन से कहां अनाउंस हुई थी ये, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हमारे अभी देखें तो कि हम कितना जो अभी जैसे हमारे देश में अगर एग्जिस्टिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड अकॉर्डिंगली क्वालिटी पावर मतलब कि जो हमारी सप्लाई है बिजली की वो अनइंटरप्टेड नहीं है, बीच बीच में चली जाती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा, जो बड़ी बड़ी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाती हैं इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको पानी की सप्लाई बिजली की सप्लाई बिल्कुल अनइंटरप्टेड चाहिए, तभी ये बहुत जो ये बड़े बड़े सर्किट बना सकती है मदरबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहां पर क्वालिटी ऑफ पावर अगर हम देखें एंड देन जो हमारे डिजाइन कैपेबिलिटीज है यहां पर स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा बहुत लिमिटेड है, ये सब कुछ इंक्रीज होगा अगर हम आप इनको ना ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल में, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक और जो हमें सवाल जो देखने को मिलता है कि क्या ये असेंबली लाइन अगर मैं असेंबल करता हूं यहां पर बाहर से कंपोनेंट्स मंगवाकर उस पर हमें कुछ हेल्प मिलेगी? जी हां बिल्कुल मिलेगी। तो ये ATMP बोलते हैं इसको, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग इन यूनिट्स को भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें जो लगी हुई है इसको भी फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आज का हमारा जो 2 मिनट एंड डेफिनेटली बताना बहुत जरूरी है कि हमारे जो बैच 1 की डेट्स खत्म हो गई थी, बैच 1 में स्टूडेंट्स भर्ती हो गए थे, तो हम बैच वाइज ही अगर हम बच्चों को भर्ती करते हैं तो बैच 2 आ चुका है अभी, बैच 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 19th April। ठीक है दोस्तों, इसकी एडमिशन शुरू हो गई है 15 मार्च के ऑनवर्ड्स, ठीक है 15 मार्च से एडमिशन शुरू हो गई है। जो इसमें वेरियस कोर्सेज कौन से हैं, डेफिनेटली GS का तो एंटायर कोर्स है ही है, SA का भी मॉड्यूल है। एंड देखो दोस्तों SA में जो आपकी जो SA की क्लासेस होती हैं
एसए की क्लासेस तो शामिल है हमारे जीएस के बैच में, एसए में अगर आपको पेपर चेक भी करवाना है तो सेपरेट मॉड्यूल रहता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल्स हैं। लेकिन से ओके देन दोस्तों, पॉल साइंस के भी यहाँ पे बैच अभी बैच वन शुरू हो चुके हैं, बैच टू अगेन विल बिगिन फ्रॉम 19th अप्रैल, एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल भी यहाँ अवेलेबल है, 19th अप्रैल से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे sleepyclasses.com पर जाके देख सकते हैं, हमारा फोन नंबर भी गिवन है, ठीक है, हमारी वेबसाइट पर, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है, टोल फ्री नंबर है वैसे, लेकिन आज का सभी नंबर ही टोल फ्री होते हैं स्टिल, ठीक है दोस्तों। तो मेहनत एफर्ट, हम जो जितना एफर्ट कर रहे हैं अपने ऑप्शनल्स में या जीएस में, कंबाइंड एफर्ट ही रखना पड़ेगा, तभी स्टेज दर स्टेज हमें सब कुछ जो एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम तभी क्रैक होता है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, एंड पेशेंस रिक्वायर्ड रहती है, पेशेंट भी काम करेंगे। प्रीलिम्स अगर आप अभी फोकस कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स भी है 2021 का, आप उसको भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट होता है उसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोज में बहुत ही जल्द, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।